भाजपाची चर्चा एकत्र होईल। त्यांची जी भूमिका आहे की तीन पक्षांनी जागा वाटप करावं आणि त्यांच्याकडनं आम्ही आम्हाला हव्या त्या जागा मागून घेऊ, अशा प्रकारचं जागा वाटप जगाच्या इतिहासामध्ये कधी होत नाही। आंबेडकरांना राजकारण उत्तम कळतं आणि त्यांना चांगल्या भूमिका त्यांना भूमिकाही कळतात, त्यांना कोणत्या जागा हव्यात त्या आम्ही द्यायला तयार आहोत हे त्यांना माहिती आहे। तरीही जर त्यांच्याकडनं ही भूमिका येत असेल तर आम्ही त्यांच्या भूमिकेवर चर्चा करू, पण वंचित बहुजन आघाडी हा आमच्या महाविकास आघाडीतला एक महत्वाचा घटक पक्ष आहे। महाविकास आघाडीत त्यांना समाविष्ट करून घेतलेला आहे। माननीय उद्धव ठाकरे असतील, माननीय शरद पवारजी असतील, नाना पटोले असतील किंवा दिल्लीतले काँग्रेसचे नेते असतील, यांच्याशी प्रकाश आंबेडकरांशी उत्तम संवाद चालू आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांची वंचित बहुजन आघाडी आणि त्यांचा संपूर्ण त्यांना मानणारा समाज हा संविधान वाचवण्याच्या लढाईमध्ये या महाराष्ट्रात आणि देशात आमच्या बरोबर उभा राहील, ते वेगळी भूमिका घेणार नाहीत। और कुछ सुवेंदु अधिकारी जो पीएम बीजेपी के बंगाल से लीडर है तो? उनका कहना है कि जो संदेश खाली में हुआ है वो हमास की तरह है, वो अटैच वो जो गुंडे हैं वो हमास की तरह वहाँ पे एक्ट किए हैं, तो कैसे देखते हैं? ये जो कोई व्यक्ति है जो पहले टीएमसी में ही थी ना, सुवेंदु अधिकारी सर, वो तो पहले टीएमसी के नेता थे ना, ममता जी के साथ थे, वही ना वो आप बीजेपी में गए ना, वही ना, वो अलग नहीं, वही है, वही है। अगर हमास की तरह हो रहा है कहां संदेश भाई, तो उनको पूछिए दिल्ली के बॉर्डर में किसानों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है, जिस तरह से इस देश के अन्नदाताओं को खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, उसके ऊपर जरा बीजेपी के नेताओं को बात करने के लिए बोलिए। फिर इजराइल, हमास, गाजा पट्टी के बारे में हम बात करेंगे। ये देश में कानून है, लेकिन जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां एक अलग कानून दिल्ली से चलाया जाता है। चाहे महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा दो साल पहले की, अब पश्चिम बंगाल की बात मैं करूंगा, कर्नाटक की बात करूंगा, जहां आपका शासन नहीं है बीजेपी का, वहाँ वहाँ आप लोग ये सब कर रहे हैं। सर कल एक मीटिंग हुई पुणे में, वहाँ पे आदित्य ठाकरे को भी बुलाया गया था कल, हालांकि आपके पार्टी से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे ऐसे नहीं, कांग्रेस के नेता थे, हमें हम लोग सभी महाराष्ट्र के टूर पर रहे थे, लेकिन मनोज जोशी का देहांत होने के बाद हम यहाँ पहुंच गए, लेकिन हम नहीं थे यहाँ। आदित्य जी का भी मुंबई में कल प्रोग्राम